लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत गायघाट में, जहां पर हमारे दो नेताओं से मुलाकात हुई है। एक नगर पंचायत के खेवनहार कहे जाने वाले बालकृष्ण त्रिपाठी और पिंटू बाबा है, तो दूसरी तरफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुदरहा देवा ब्रह्मदेव यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उन्हें इसका क्या जवाब दे रही है। पहले तो मुद्दों की झड़ी है, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए जो काम किया है वो जीरो से लेकर के ऊपर तक का काम किया है। चाहे वो आवास हो, चाहे घर का चूल्हा हो, चाहे वो इज्जत घर हो, चाहे वो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, ये सारे मुद्दे और राष्ट्रवाद, हम अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए देश को विश्व गुरु बनाने के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। दूसरे में सौभाग्य हम सभी का, हम सभी के 10 साल से लगातार सांसद हम सबके नेता माननीय हरीश द्विवेदी जी, जो बस्ती को जब कोई नहीं जानता था और जब से वो सांसद बने तब से वो बस्ती के विकास को लेकर के बस्ती के देश स्तर के पटल पे उन्होंने सुशोभित किया है और बस्ती का अभूतपूर्व विकास हुआ है। 70 साल बनाम 10 साल का विकास हुआ है, तो ऐसे में हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा नेता मिला है। सामान्य परिस्थितियों में भी हर जगह उपलब्ध होने वाला, हर व्यक्ति की बात सुनने वाला, किसी से कोई सिफारिश ना करते हुए सीधे अपनी बात व्यक्ति जाके कह सकता है। तो हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बस्ती लोकसभा सीट में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और भारी मतों से हम लोग इस सीट को जीत भी रहे हैं। और विपक्ष भी यह महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बाकी पार्टियां खत्म हो चुकी है। एक मुद्दा उभर के आ रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को आप किस तरह से दूर करेंगे, क्या कहाँ महंगाई। आप 70 साल से परसेंटेज देखिए, उस परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई उस स्तर पे उनसे कम ही जो है बढ़ी है, तो महंगाई कहीं कोई मुद्दे नहीं है। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी का भी कहीं कहीं अगर बेरोजगारी होती तो लोग दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं। जिस गांव में 10 साल पहले 50 मोटरसाइकिल थी आज 150 मोटरसाइकिल है, जिन गांव में पहले 4 चरपहिया थी आज 20 चरपहिया है, तो कहां से महंगाई है। सारा व्यक्ति हर एक व्यक्ति चल रहा है, नौजवान सुखी है, किसान सुखी है, महिला सुखी है, कहां बेरोजगारी है। लोग कह रहे हैं जो 400 का सिलेंडर था आज 1200 में मिल रहा है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पर्याप्त सब्सिडी थी जबकि 1200 का था 800 का मिल रहा है। 400 का था 800 नहीं, 1200 का था, घट करके सब्सिडी के आधार पे 800 का मिल रहा है। आइए ब्रह्मदेव देवा जी से जानते हैं कि वो 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत में क्या अंतर अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, अभी मैं आ रहा हूँ देवडाल बाबा का स्थान है, धार्मिक स्थान है। तो जो 2014 के भारत को हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, राष्ट्र सेवा, भारत क्या है दुनिया में, भारत का जलवा क्या है दुनिया में। 2014 के बाद भारतवासियों को पता चला कि भारत का जलवा पूरे दुनिया में क्या है। तो आज भारत 2014 के बाद का जो भारत है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और माननीय सांसद जी यहाँ के तो सांसद हुए ही हैं और होंगे ही, तब का भारत और अब का भारत, आप गांव गली चौराहों पे जाएंगे बहुत अंतर पाएंगे। आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज महिलाओं का जो सम्मान भारत में हो रहा है पूरे दुनिया में कहीं होता है। आज महिलाएं, हमारी माताएं बहनें
दिन प्रतिदिन समाज के प्रति, देश के प्रति अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, वो किसकी देन है? माननीय मोदी जी की देन है। बहुत कुछ बदल चुका है 2014 के बाद, बहुत कुछ अब की 2024 का चुनाव जब माननीय मोदी जी जीतेंगे तो देश कहां से कहां जाएगा इसकी कल्पना दुनिया नहीं कर सकती है। और दुनिया ये मानेगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। जी, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो उस पर एक आरोप भी लग रहा है कि 400 पार के बाद संविधान भी बदला जाएगा, ये कहां पर सही है? पूरे दुनिया में, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि संविधान का कोई पुजारी है तो नरेंद्र मोदी उसका नाम है। कांग्रेस भी 14 के पहले सरकार थी। संविधान में पहला परिवर्तन कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और मोदी जी ने क्या किया? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए और देश के जब प्रधानमंत्री हुए तो संविधान की शपथ, और संविधान को जिसने भगवान माना और संविधान से जिसने देश चलाया उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जहां तक संविधान की बात आप कह रहे हैं, आज तक 139 आर्टिकल संविधान में, 139 आर्टिकल बदले गए हैं, जिसमें 121 आर्टिकल कांग्रेस ने बदला है, या 121 आर्टिकल। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद केवल 13 आर्टिकल बदले गए हैं। अब आप बताइए संविधान कौन बदल रहा है देश का? लेकिन इससे पहले तो ये नारा कभी बुलंद नहीं हुआ जो इस बार 400 पार के नारे पर हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 पार, अभी अखिलेश जी आए थे कल, उन्होंने 400 पार के नारे का जिस तरह से क्रियान्वयन किया है कि 400 के बाद जो सीटें बचती है 543 में वो भाजपा को मिल रही है। हाँ, उनका कहना बिल्कुल सही है कि वही सीट वो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 350 कहा था तो 336 सीट भाजपा को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी हवा की राजनीति नहीं करती है, जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। और कौन विकास कौन किया है? यही इतनी 10 नगर पंचायतें हैं बस्ती जनपद में। और आप देख लीजिए, मैं चैलेंज के साथ आता हूँ, माननीय हरीश द्विवेदी जी का आशीर्वाद, योगी जी का आशीर्वाद और मोदी जी के आशीर्वाद के बदौलत।